स्वागत है टीएनजी रिव्यूज में। आज हम हैं साच पास पे, जो कि 14,500 फीट की हाइट पर है। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है और हम यहाँ पर करेंगे अनबॉक्सिंग मोटो E4 प्लस की, सिर्फ आपके लिए। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि साच पास 14,500 फीट की हाइट पर है हिमाचल में, जो चंबा वैली और पांगी वैली के बीच में है। ये सबसे ज्यादा डेडलीस्ट, डेंजरस और एडवेंचरस पास है, इसलिए इसको डेडली ऑफ ऑल द पासेस कहा जाता है। जल्दी से खोलते हैं इस बॉक्स को, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। बॉक्स में सबसे पहले हमारे पास फोन है, हमारे पास इसका गोल्ड कलर है, वैसे आपको इसमें ग्रे और ब्लू कलर भी अवेलेबल है। ये है इसका ट्रेवल एडेप्टर, जो कि एक फास्टर चार्जर है। ये हमारी माइक्रो यूएसबी और उसके साथ ये स्टैंडर्ड ईयरफोन्स, और ये हमारे कुछ स्टार्टअप गाइड्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स। सो गाइस, ये हमारा फोन, ये एक मेटल डिजाइन फोन है और इसके पीछे गोल्ड मैट फिनिश दी गई है, जो कि बहुत ही प्रीमियम लग रही है देखने में। फोन आपको पकड़ने में थोड़ा सा हैवी लगेगा, क्योंकि इसके अंदर 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। ओवरऑल देखा जाए तो फोन की लुक बहुत ही प्रीमियम लग रही है। आइए फोन के फीचर और इंटरफेस पर नजर डालते हैं। फ्रंट पे हमारे पास 5 megapixel का कैमरा है, जिसका एपर्चर साइज f2.2 है, और उसके साथ LED फ्लैश, EOPs और कुछ सेंसर्स। उसके नीचे हमारे पास 5.5 inch IPLCD स्क्रीन है, जिसके अंदर 16:9 की रेशियो है, और उसके साथ आपको इसके अंदर HD रेजोल्यूशन मिल रही है 267 PPI के साथ, और साथ ही गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, और साथ ही इस फोन के अंदर एल्यूफोबिक कोटिंग दी गई है, जिससे ये आपका फोन स्प्लैश प्रूफ रहेगा, मतलब आप इसको रेनफॉल में भी यूज कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे की तरफ हमारा एक होम बटन है, जो कि कैपेसिटिव बटन है, और उसके अंदर हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर है। उसके साइड में हमारे पास बैक बटन और मल्टीटास्किंग बटन है। राइट साइड में हमारे पास पावर बटन है, उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स। डिवाइस के नीचे की तरफ हमारे पास स्पीकर्स है, USB पोर्ट है, और उसके साथ एक माइक्रोफोन। डिवाइस के ऊपर की साइड हमारे पास 3.5 mm हेडफोन जैक है। इस डिवाइस का मेन फीचर इसकी बड़ी बैटरी है, इसके अंदर 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है एक पावर चार्जर के साथ। साथ ही ये डिवाइस आपका रन करता है क्वाड कोर 1.3 GHz MediaTek प्रोसेसर के साथ, उसके साथ आपको मिल रहा है Android 7। साथ ही इसके अंदर आपको 3GB RAM और 32GB इंटरनल मेमोरी मिल रही है, जिसको आप 128GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं एक डेडिकेटेड स्लॉट के साथ। इसके बैक में हमारे पास 13 megapixel का कैमरा है, जिसके अंदर आपका एपर्चर साइज F2 है, उसके साथ आपको ऑटो फोकस और LED फ्लैश मिल रहा है, साथ में ISO कंट्रोल, कॉन्टिन्यूस शूटिंग, HDR मोड, बर्स्ट मोड, डिजिटल जूम, फेस डिटेक्शन और टच फोकस जैसे फीचर्स भी मिल रहे हैं, और साथ ही आप इस कैमरा के अंदर कर सकते हैं HD रिकॉर्डिंग 30 frames per second पे। ओवरऑल अगर बात करें तो ये फोन लुक में और फीचर्स में बहुत ही प्रीमियम लग रहा है, और ये फोन आपको अवेलेबल है 9,999 rupees का Amazon पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं पूरी तरह जम चुकी हूँ इस ठंड में, सो जल्दी से जाके मैं कॉफी पीती हूँ। तब तक आप एंजॉय कर सकते हैं इस डेडली जर्नी की कुछ बेहतरीन क्लिप्स को। सो बाय बाय।